ईशान बहुत गुस्से में था। ईशान अपने सिक्योरिटी गार्ड को ऑर्डर देते हुए कहता है, इसे मेरे वीआईपी मेंबर में शिफ्ट करो। तो गार्ड हैरान होकर कहता है, श्योर सर। तो ईशान गार्ड को घूर कर देखता है। वहीं मिस्टर तनेजा ईशान से माफ़ी मांगकर कहते हैं, डॉक्टर आईपीएस, मुझे नहीं पता था आप यहाँ हैं। नहीं तो मेरी इतनी मजाल कि मैं आपसे ऊंची आवाज़ में बात करूं। और पंक्ति को देखकर कहता है, आप इसे रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, ये बहुत कड़क माल है। तनेजा ने इतना ही कहा था कि ईशान ने अपने पॉकेट से गन निकालकर तनेजा के सीने में उतार दी। ईशान का ये मूव देखकर कोई हैरान नहीं हुआ, क्योंकि ईशान को अगर कोई बात पसंद नहीं आती तो वो ऐसा ही करता है। वहीं पंक्ति गोली की आवाज़ से बेहोश हो जाती है। अभी तक पंक्ति ने ईशान का चेहरा नहीं देखा था। वहीं ईशान को एहसास होता है कि पंक्ति बेहोश हो चुकी है। वो हड़बड़ा कर अपने गार्ड से कहता है, मूव, घर चलना है। और गौतम, जो ईशान का मैनेजर था, उससे कहता है, एक फीमेल डॉक्टर को जल्द से जल्द घर बुलाओ। वहीं सभी गार्ड उसे और ईशान और पंक्ति को सीक्रेट तरीके से उसके घर ले जाने लगते हैं। ईशान घर पहुंचकर पंक्ति को उसके रूम में लाकर बेड पर सुलाता है। ईशान बेड पर लेटी हुई पंक्ति को ध्यान से देखता है, जिसके चेहरे पर वो नूर, वो चमक नहीं थी जो एक साल पहले थी। उसका चेहरा मुरझाया हुआ था, काफ़ी कमज़ोर भी लग रही थी पंक्ति। वहीं फीमेल डॉक्टर भी वहाँ पहुँच चुकी थी। वो ईशान को देखकर कहती है, ओ डॉक्टर आईपीएस, आपको कौन सी एमरजेंसी आ गई जो आपने मुझ कनीस को बुलाया? मुझे याद करने की क्या वजह है? ईशान उसकी बात पर ध्यान ना देकर कहता है, इसे चेक करो। तो डॉक्टर हैरान होकर पंक्ति को देखती है, जिसका चेहरा मुरझाया हुआ था, और पट फिर भी पंक्ति बहुत प्यारी लग रही थी। उस डॉक्टर को पंक्ति से जलन भी हो रही थी, क्योंकि पंक्ति ईशान के घर पर थी। ईशान को देखना ही हर लड़की का सपना, ख्वाहिश बन चुकी थी। और पंक्ति तो उसके घर पर ही नहीं, उसके बेड पर थी। डॉक्टर जल्दी से पंक्ति को चेक करती है। थोड़ी देर बाद पंक्ति को चेक करके ईशान से कहती है, सर, ये डर और वीकनेस की वजह से बेहोश हो गई हैं। शायद इन्होंने दो दिन से कुछ खाया नहीं है। डॉक्टर कुछ दवाइयां लिखकर कहती हैं, इन्हें मंगा लेना। ईशान का मैनेजर जल्दी से डॉक्टर को कहता है, चलिए मैम, आपका काम पूरा हो चुका है। वहीं डॉक्टर वहां से जा चुकी थी। तो ईशान पंक्ति को देखकर अपने मन में सोचता है, पंक्ति की ये हालत कैसे हुई? ईशान अपने मैनेजर गौतम से कहता है, पता करो इस एक साल में पंक्ति की लाइफ में क्या क्या हुआ, मुझे जल्द से जल्द जानना है। तो गौतम कहता है, जी सर। गौतम कंफ्यूजन में वहाँ से चला जाता है और अपने मन में कहता है, ये लड़की कौन है? शायद ये लड़की वही है जिससे सर नफरत करते हैं। हाँ,
शायद इसी लड़की का फोटो सर के US वाले बंगलों में, सर के कमरे में है। पर ये लड़की तो इतनी मासूम है, सर इससे इतनी नफ़रत क्यों करते हैं? और क्यों ही करते होंगे, इससे कोई नफ़रत क्यों करेगा? खैर, मुझे पता लगाना है और अपने काम पर लग जाता है। वहीं ईशान वहीं उसी कमरे में जहां उसने पंक्ति को लेटाया था, वहीं सोफे पर बैठकर अपना काम करने लगता है। थोड़ी ही देर में ईशान का फ़ोन बजता है तो वो कॉल उठाकर कहता है, तो वहां से आवाज़ आती है, सर आपकी कल एक सर्जरी है 2 बजे। तो ईशान कहता है ओके, और कॉल कट कर देता है। वहीं पंक्ति को धीरे धीरे होश आने लगता है। पंक्ति जैसे ही अपनी आंखें खोलती है तो वो अपने आप को किसी अनजान जगह पर पाती है, तो वो घबरा जाती है और इधर उधर देखती है तो उसे ईशान दिखता है। उसे याद आता है कि मिस्टर तनेजा से पैसे की हेल्प मांगने गई थी पंक्ति, पर उसके साथ क्या हुआ? ये सोचकर उसकी आंखें नम हो जाती हैं। वो ईशान को देखती है जो लैपटॉप पर आंखें गड़ाए बैठा था। जब ईशान को एहसास होता है कोई उसे देख रहा है तो ईशान की नज़र पंक्ति पर चली जाती है। दोनों की नज़रें टकराती हैं पर पंक्ति अपनी नज़रें जल्दी से नीचे कर लेती है। ईशान पंक्ति के पास आकर कहता है, पंक्ति जी मैं याद भी हूँ या आप भूल गई? मैं वही हूँ जो आपसे बेइंतहा मोहब्बत किया करता था 1 साल पहले, पर अफसोस आपने मुझे बहुत ही अच्छे से मेरी औकात बता दी थी। ईशान की बात सुनकर पंक्ति हैरान होकर ईशान को देखती है तो ईशान कहता है, कितनी भोली बन रही है ना कि बहुत मासूम हो तुम। खैर, आप तो हमें ये बताने का कष्ट करें, महलों की रानी इस हालत में कैसे आ गई? लगता है भगवान ने आपको आपकी औकात बता ही दी। वहीं पंक्ति का को ईशान की बातें समझ नहीं आ रही थी। पंक्ति हिम्मत करके कहती है, देखिए सर, हमें जल्द से जल्द घर जाना है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या कह रहे हैं। पंक्ति की बात सुनकर ईशान को गुस्सा आ जाता है। पंक्ति बेड से उठकर वहां से जाने लगती है तो ईशान गुस्से से पंक्ति की बाजू पकड़कर कहता है, बड़ी मासूम बन रही हैं आप। तो पंक्ति जी, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी, आप हमारा प्यार ठुकराती हमें मंजूर होता, पर आपने तो हमसे हमारा वजूद पूछ लिया। पर अब हमारे पास वजूद भी है, अस्तित्व भी है। पंक्ति ईशान से डरते हुए कहती है, सर हमें जल्द से जल्द हॉस्पिटल जाना है, प्लीज़ हमें जाने दीजिए। ये कहते हुए उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं क्योंकि ईशान की पकड़ बहुत मजबूत थी। पंक्ति अपने हाथ छुड़ाकर हाथ जोड़कर कहती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें बचाने के लिए। पंक्ति आगे बढ़ती है, इतने में ही ईशान कहता है, कितने पैसे लेंगी हमारी मोहब्बत कबूल करने के लिए? ये सुनते ही पंक्ति के कदम वहीं रुक जाते हैं। पहले हम इतने काबिल नहीं थे कि आपकी मोहब्बत खरीद सके, पर अब हम आपकी मोहब्बत खरीदने के काबिल हो चुके हैं। तो बताइए किशनगढ़ की राजकुमारी, आपकी मोहब्बत की कीमत? तो पंक्ति
हैरान होकर ईशान को देखती है। ईशान कहता है, आप राजकुमारी, आप चुप क्यों हैं? बताइए कि आपके साथ रहने, आपसे मोहब्बत करने की क्या कीमत है? बताइए, 5 करोड़, 10 करोड़ या फिर पूरे 50 करोड़? बताइए पंक्ति जी। आगे बढ़कर पंक्ति ईशान को एक ज़ोरदार थप्पड़ मार देती है। ईशान को इस मूव का पता नहीं था और ना ही उसे ये आइडिया था कि पंक्ति उसे मार देगी, पंक्ति उसे थप्पड़ मार देगी। पंक्ति अपनी घबराहट छुपाकर कहती है, समझते क्या है अपने आप को आप? आपने अपने आप को जब मन किया हमें प्रपोज कर दिया, जब मन किया हम पर इल्ज़ाम लगा दिए, पर अब नहीं, अब बहुत हो चुका, अब और नहीं, हम कोई बेकाऊ या बाजारू औरत नहीं हैं, समझे आप? और हाँ, प्यार को कभी खरीदा नहीं जा सकता मिस्टर। इतना कहकर पंक्ति जल्दी से वहाँ से रोते हुए चली जाती है। कोई भी औरत भले ही कितनी भी शांत क्यों ना हो, पर अपने चरित्र, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए अपने आप उसमें एक पावर, एक शक्ति आ जाती है। वहीं पंक्ति रोते हुए वहाँ से चली जाती है। ईशान तो अभी भी वहीं खड़ा था। उसे अब अपनी बातों का पछतावा हो रहा था। इंसान गुस्से और नफ़रत में पता नहीं क्या कह देता है, पर बाद में उसे पछतावा होता है। गुस्सा और नफ़रत में इंसान पता नहीं क्या क्या बातें दूसरों को बोल देता है, बिना कुछ सोचे समझे कि दूसरे व्यक्ति को वो बात कैसी लगेगी। अब इस स्टोरी में क्या होगा? क्या ईशान लेगा इस थप्पड़ का बदला, या कहानी में आएगा एक नया ट्विस्ट? तो गाइस, आप मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। और मैंने पंक्ति को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश की है, बट ये है कि हमारा जो ईशान है वो भी अपनी तरफ से गलत नहीं है। वो अपनी मोहब्बत को पाने के लिए उसने इतना स्ट्रगल किया है। 1 साल तक उसने क्या क्या स्ट्रगल किए होंगे ये पावर, ये रुतबा पाने के लिए, वो तो मैं इस स्टोरी में आगे बताऊंगी। बट गाइस, मैं यही चाहती हूँ कि दोनों ही गलत नहीं है मेरे हिसाब से। ईशान जो है वो अपने प्यार को पाने के लिए, उसका पहला और आखिरी प्यार हमारी पंक्ति ही है, तो वो अपने प्यार को पाने के लिए जो भी कुछ कर रहा है वो उसके हिसाब से सही है। लेकिन हमारी जो पंक्ति है उसकी भी सिचुएशन बहुत ज़्यादा बहुत अलग चली गई है। तो अब ये दोनों कैसे मिलेंगे, कैसे ये साथ होंगे, या कभी होंगे भी या नहीं, और आगे क्या होने वाला है, तो आप इस स्टोरी में बने रहिए और मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है और ये एपिसोड कैसा लग रहा है। तो आगे आप एक्साइटेड हैं या नहीं है कि आगे एपिसोड में क्या होने वाला है? तो मैंने बहुत जल्दी गाइज बताऊँ तो मेरी तबीयत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब चल रही है, तो फिर भी मैं आपको एपिसोड जल्दी जल्दी देने की कोशिश कर रही हूँ। तो अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, एंड लाइक कर दीजिए मेरी वीडियो को। थैंक यू। और हाँ गाइज, मेरी रिक्वेस्ट है कि मैं एक दिन में एक ही एपिसोड दे पाऊँगी। प्लीज़ गाइज, ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्योंकि मैं इस स्टोरी को लिखती हूँ और आपने ये बहुत सुना होगा, लिखती हूँ और फिर उसको रिकॉर्ड करती हूँ, फिर यूट्यूब पे डालती हूँ एडिट करके। तो प्लीज़ गाइज, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं बहुत एक एपिसोड देने में ही मेरे पसीने छूट जाते हैं, बट फिर भी आप लोगों के प्यार के लिए, आप लोगों के सपोर्ट के लिए मैं इतना करती हूँ। बट प्लीज़ गाइज, एक एपिसोड दिन में एक एपिसोड तो बनता है यार, क्योंकि सीरियल में भी आपको एक एपिसोड ही मिलता है दिन का। फिर भी मैं आपको इतने जल्दी जल्दी बोल के, इतना जल्दी जल्दी बता देती हूँ हर चीज़ को। तो प्लीज़ सपोर्ट कर दीजिए और थैंक यू सो मच वंस।